है व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बहुत एक एरर को फिक्स करने का वीडियो लेके आया हूँ। तो ये एक एरर है जो मतलब एरर है, ये मोस्टली आपको फीफा गेम्स में आते हैं, फीफा सीरीज़ और भी गेम्स में, लेकिन जहाँ तक है ये मोस्टली फीफा ही गेम्स में ये एरर आता है। ये एरर है जैसे आपको जैसे आप गेम खेलते तो आपको फुल स्क्रीन मोड चाहिए गेम में, कंप्यूटर पीसी में, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पूरा नहीं होता है, आपको पूरा स्क्रीन में नहीं आता। तो बस आपको क्या करना है, एक बस एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है बॉर्डरलेस गेमिंग। मैं आपको लिंक दे दूंगा और होपफुली इसमें कोई वायरस नहीं है क्योंकि ये स्टीम में भी ऐप अवेलेबल है, बट स्टीम में आपको ये पेड रहेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ नीचे लिंक दे देता हूँ, नहीं मालूम फ्री कैसे, लेकिन आपको मिल जाएगा फ्री में। तो यहाँ जैसे मैं फीफा 19 स्टार्ट करूँ तो फीफा 19 आप देखिएगा ये विंडोड में आता है, मतलब फुल स्क्रीन मोड में नहीं आता है। नीचे मतलब आपका बार बार सब शो करेगा, तो फुल स्क्रीन मोड में ये आपका गेम नहीं चलेगा। तो आपको बस यही है कि जैसे रुक जाइए, पहले हम लोड मैं लोड करके आपको दिखा दूँ। और इसमें कोई सेटिंग्स भी नहीं है जिसमें आप ग्राफिक्स चेंज कर सकते हैं या फिर कुछ चेंज कर सकते हैं, ये मोस्टली डिपेंड है, मतलब कुछ इसमें आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते ग्राफिक्स, या फिर आप फुल स्क्रीन मोड कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं कि आप विंडोड स्क्रीन रखना चाहते हैं, कितना पिक्सल्स रखना चाहते हैं, ये आपका विंडोड में ही मोस्टली अलग गेम रहता है, जहाँ तक मेरे कंप्यूटर में और बहुत कंप्यूटर में रहता है। जैसे यहाँ मैं लोड कर दिया हूँ गेम फीफा 19 लोड, तो चले तब तक लोड हो जाएगा तब तो मैं बॉर्डरलेस गेमिंग आपको दिखा दूँ। तो यहाँ बॉर्डरलेस गेमिंग आप बस ऑन कीजिए इसको, आपको इंस्टॉल करना होगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको वरी करने का कुछ नहीं है। तो यहाँ जो भी आपको बहुत एप्लीकेशन का लिस्ट आया हो जो जो ओपन है, और फीफा 19 में आपको क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन, ऊपर वाला ऑप्शन और नीचे वाला ऑप्शन क्या है बताता हूँ। नीचे वाला ऑप्शन आपको मिनिमाइज़ करना है, विंडोड में लाना है, और मतलब फुल स्क्रीन से, और ऊपर विंडोड से फुल स्क्रीन में लाना है। और ये फेवरेट में डालने का है कि आपको खोजना नहीं पड़े, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं होता हूँ। तो यहाँ जैसे मैं क्लिक कर दिया हूँ तो यहाँ फुल स्क्रीन में आ गया है ये पूरा गेम, पहले नहीं था। तो यहाँ जैसे मैं एंटर करता हूँ गेम को और आगे, तो यहाँ चेकिंग कनेक्शन ओके ओके करके, तो अगर मैं यहाँ आपको सेटिंग्स दिखाऊँ कस्टमाइज में, तो यहाँ जैसे आप सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ वीडियो कैलिब्रेशन है, तो वीडियो कैलिब्रेशन में ब्राइटनेस है और भी सेटिंग्स, रुकिए सॉरी एक और बार दिखा दूँ। तो यहाँ जैसे आगे देखूँ तो कलर है, स्क्रीन साइज़ है, लेकिन कोई आपको फुल स्क्रीन मोड का कुछ सेटिंग्स नहीं है। गेम सेटिंग्स में तो आपको बस कैसा आपको गेम प्ले चाहिए वो सेटिंग्स से, कैमरा रूल्स वो सेटिंग से, कोई आपका मतलब ग्राफिक्स या फिर फुल स्क्रीन का सेटिंग्स नहीं मिलता है इसमें। तो यही के लिए ये बॉर्डरलेस गेमिंग का ट्यूटोरियल मैं लेके आया हूँ, बहुत सिंपल ट्यूटोरियल, होप आपको समझ आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक एक दे दीजिएगा और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और उसके साथ शेयर कर दीजिए जिसको भी प्रॉब्लम हो आपके दोस्त को। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द अनदर वन, बाय।